पहला क्वेश्चन हमारे सामने था, कहता है देर आर टू वैल्यू ऑफ विच मेक्स डिटर्मिनेंट दिस इज इक्वल टू 86। आपको इसमें दो वैल्यूज सॉरी देर आर टू वैल्यूज, हाँ दो वैल्यूज बतानी थी कि एक ही दो वैल्यूज क्या क्या होंगी। कहता है देन सम ऑफ दीज नंबर इज, और उन जो दो वैल्यूज हैं उनका जो जोड़ होगा वो इनमें से चारों में से एक ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, 2 मिनट, ये आपके पास 1-2 5 एंड 2a-1 एंड 0 4 2a। अब मुझे बताइए कि आप में से किस बच्चे को प्रॉब्लम रही, जबकि ये क्वेश्चन कितना आसान था। देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या था, ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मैं 10 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ जो टेस्ट में आपके हुए थे। अपना अपना आप चेक करेंगे कि आपने गलती क्या की थी। क्वेश्चन में डेल्टा इज इक्वल टू दे रखा है 1-2 5 एंड देन 2a-1 एंड देन 0 4 एंड देन 2a और इज इक्वल टू 86 के दे रखा है। बहुत सिंपल है, आपको एक ही वैल्यू फाइंड करनी है पहले तो, और एक ही वैल्यू जो है वो दो वैल्यूज आएंगी, एक ही दो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएंगी और इन दोनों वैल्यूज को हमें जोड़ना है। ओके, तो हम लिखेंगे प्लस माइनस प्लस, आप ऐसे कर सकते हो, या फिर किसी स्टूडेंट को अगर ऐसे आप करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, यहाँ प्लस लगाओ, यहाँ माइनस लगाओ, यहाँ प्लस लगाओ, आपकी मर्जी है। आप किसी भी साइड से यानी कि कॉलम से भी सॉल्व कर सकते हो और रो से भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैं रो से इवेल्युएट करूंगा, इवेल्युएट R1, तो पहले तो मैं 1 लिखूंगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट करूंगा, ये फर्स्ट रो एंड ये फर्स्ट कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे सामने, अगर ये दोनों डिलीट हुए हमारे पास बचेगी जो संख्या वो है आपके पास a-1 4 2a, ये संख्या बचेगी। उसके बाद हम बात करते हैं माइनस और माइनस, प्लस का निशान लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, देख सकते हो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा तो फिर क्या करना है आपको, आपको यहाँ पर फर्स्ट रो, ये है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम डिलीट करना है। तो संख्या जो दिख रही है आपको, कॉपी पे मेरे साथ साथ लिखते भी जा सकते हो आप, पहले आपको 2 लिखना है प्लस का एंड देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करेंगे तो 2-1 0 एंड 2a, ये बचेगा। उसके बाद आता है प्लस का, प्लस का 5, देन 5 लेंगे तो क्या डिलीट होगा, देखो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम डिलीट होगा तो क्या बचेगा आपके सामने, संख्या दिख गई होगी आपको, 2a 0 एंड 4 बचेगा। ओके, इज इक्वल टू 86 इसने दे ही रखा है। देन अगले स्टेप में चलेंगे तो क्या करना है हमें, इवेल्युएट तो हमारा हो गया, हम फर्स्ट इस राइट साइड में, राइट डायगोनल कहते हैं इसे, इस मेन डायगोनल की मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 × 2a² माइनस का फिर माइनस का 4। ध्यान रखना कई जने इसमें गलती कर जाते हैं, माइनस हमारा लगता है, ये वाला माइनस हम लगाते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और जो माइनस दूसरा आया है वो क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करने के बाद आया है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है इसको कैसे सॉल्व करना होता है। प्लस का 2 लिखा है, देन फिर ब्रैकेट लगाना है, देन फिर राइट में मल्टीप्लाई करानी है, ये हो जाएगा 4a, माइनस का 0 क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे किसी संख्या के तो 0 आएगा, प्लस का 5 लिखेंगे फिर ब्रैकेट लगाएंगे देन उसके बाद मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 8-0 एंड इज इक्वल टू 86। नाउ इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2a² प्लस का 4 प्लस का 8a प्लस का 40 इज इक्वल टू 86। ओके, अब यहाँ पर कई सारे बच्चे अलग अलग तरीके से गलतियाँ कर रहे थे, पता नहीं क्यों कर रहे थे, प्लस का 8a ऐसा कैसे रहेगा, 4 और 40 को जोड़ेंगे तो प्लस का 44 आएगा और माइनस का 86 आएगा। ऑब्वियस सी बात है अगर 86 प्लस का है तो लेफ्ट में जाके माइनस हो जाएगा, कई स्टूडेंट ने यहाँ पर वो गलती की है, ये गलतियां ही तो बचानी है आपको। निशान कौन सा लगना चाहिए, यहाँ से माइनस का लगना चाहिए और आएगा 42 इज इक्वल टू 0। आप अगर इसमें डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड, अगर दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो तो थोड़ा क्वेश्चन एक और स्टेप आसान हो जाएगा, a² प्लस का 4a माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स करो, अब फैक्टर्स करो, 21 के फैक्टर्स होते हैं 7 × 3। आप देखो कि माइनस का 4 लेके आना है, एक स्टूडेंट ने यहाँ पर प्लस का निशान लगा रखा था, ध्यान रखना मेरे को नाम याद नहीं है किसने करा था, आपका क्लासरूम में टेस्ट मैंने अपलोड किया है उसमें देख सकते हो,
एक ने प्लस लगा रखा था, उसके बावजूद भी उसने सात में से तीन को घटाया। जब प्लस यहाँ पर लग रहा है तो फिर घटा के थोड़ी लाना था, प्लस करके लाना था, यही उसे अपनी गलती पता चल जाती, तो उसकी गलती आगे फिर नहीं बढ़ती, उसके नंबर मिल जाते हैं उसे। माइनस का निशान आया है तो माइनस का कैसे लिखे आएंगे, पहले ए स्क्वायर लिखेंगे प्लस इस सात के ब्रेक करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक कैसे करेंगे, सेवन चार के सेवन माइनस का थ्री ए माइनस का 21 इज इक्वल टू जीरो, एंड देन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का 7a माइनस का 3a माइनस का 21 इज इक्वल टू जीरो। अगले स्टेप में हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कॉमन लेंगे a तो आ जाएगा a प्लस 7, यहाँ से कॉमन लेंगे 3 तो आ जाएगा a प्लस 7 इज इक्वल टू जीरो। अगले स्टेप में देखें तो क्या हो जाएगा, a प्लस 7 एंड a माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो, देन a प्लस 7 इज इक्वल टू जीरो तो a इज इक्वल टू माइनस 7 और एंड दूसरी वैल्यू a माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो तो a इज इक्वल टू 3। अब यहां तक की बात तो सबको समझ में आ गई होगी, ये अपने अपने तरीके से आपने निकाला, किसी ने शॉर्टकट किया, किसी ने कुछ स्टेप्स ज्यादा किए, किसी ने कम किए, लेकिन आंसर यहां तक आना चाहिए। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सम निकालो, ये देखो क्वेश्चन में कह रहा है आपसे साफ साफ शब्दों में, आप देख सकते हो सम, ये देखिए यहां पर क्या लिखा है, सम ऑफ दीज नंबर्स इज, सम निकालना है आपको। तो अगर सम निकालना है तो सम कैसे निकलेगा भाई, हमारे पास दो नंबर्स हैं, हम लिखेंगे सम इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस का 3, आंसर कितना आया माइनस का 4, ये इसका सम आया। लेकिन यहां तक पे आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ये जो मैंने अभी पूरा क्वेश्चन किया इस पर मुझे मिलेंगे 2 मार्क्स, इस पर मुझे 2 मार्क्स मिलेंगे सिर्फ, 4 नंबर में से 2 नंबर मिलेंगे कंप्लीट इस एक्सप्लेनेशन को करने पे। लेकिन मैं फिर बोलता हूँ आपको क्या क्या आप नहीं कर सकते, नहीं करें तो भी नंबर मिलेंगे। ये स्टेप्स जो मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट किया ये 9th क्लास में होता है, 10th में भी पढ़ा था बच्चों ने, 11th में भी पढ़ा था, ये नहीं करोगे ना तो भी नंबर मिलेंगे। डायरेक्ट इसका आप सोल्यूशन लिख दो, अगर आपको आता है रफ में भी कर सकते हो, बाकी आप और कुछ स्टेप्स कम कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर जो फैक्टर्स का ये जो इवेल्युएट करने के स्टेप्स हैं इसमें से जो स्टेप जितना शॉर्टकट कर सकते हो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इवेल्युएट करके दिखाना है, एक्स की वैल्यू ए की वैल्यू निकालनी है और सम करके दिखाना है, दो नंबर यहाँ पर आपको मिल गए। अब एक नंबर किस बात का मिलेगा वो बच्चे ज्यादातर समझ ही नहीं रहे थे, हालांकि मैंने टेस्ट में बताया था लेकिन उसके बाद भी नहीं समझा, एक नंबर मिलता है ऑप्शन का। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, ये देखिए ऑप्शन है ए बी सी डी, हमारा किस ऑप्शन से मिल रहा है, हमारा सी ऑप्शन से मैच कर रहा है। अगर सी ऑप्शन से मैच कर रहा है तो उसे लिखना पड़ेगा, ऑप्शन वाले क्वेश्चन में हम लिखेंगे इस बात को, करेक्ट ऑप्शन, और ये कौन सा था हमारे पास, कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिखा हमें, सी। ओके अगर ये आप ऐसे ऐसे ये करेक्ट नहीं भी लिखोगे चलेगा, लेकिन अगर आप ये नहीं लिखोगे ना ये सी तो फिर आपका एक नंबर कट जाएगा। अभी फिलहाल इस बात पर आपको एक नंबर मिला, एक नंबर एक्स्ट्रा इस पर मिला कि आपने ऑप्शन दिया। किसी बच्चे ने डायरेक्ट ऑप्शन दिया तो उसे एक नंबर मिलेगा बस, एक्सप्लेनेशन के नंबर नहीं मिलेंगे। और अगर इतना करने के बाद इतना सही होना चाहिए, ऑप्शन भी लिखा होना चाहिए, उसके बाद आपने अगर वो 5 मिनट का जो आपके सामने जो शेड्यूल था अगर वो 3 मिनट से पहले भेज दिया, 3 मिनट या 3 मिनट के अंदर ड्यूरिंग द 3 मिनट, तो अगर आधे टाइम के अंदर भेज दिया आपने तो उसमें आपको मिलेंगे एक एक्स्ट्रा नंबर बोनस के, जो मेरे को अभी नहीं मिलेंगे क्योंकि मैंने 3 मिनट से ज्यादा समय ले लिया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये देखिए ये आपके सामने है सेकंड क्वेश्चन, ये क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड, कहता है ए की वैल्यू आपके सामने दे रखी है, ध्यान से पढ़िए ए की वैल्यू क्या दे रखी है आपके सामने, ए की वैल्यू है 2λ-3 एंड 0, 2, 5 एंड 1, 1, 3। ओके ये आपके सामने ए की वैल्यू है, आपको क्या करना है इसमें, आपको कहता है देन ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इफ, इन चारों में से ऑप्शन बता रहे हैं तो ठीक है हम देखते हैं एग्जिस्ट कब करेगा। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकेंड है और उसमें ए की वैल्यू दे रखी है और ए की वैल्यू हमारे सामने है 2λ-3 एंड 0, 2, 5 एंड देन 1, 1, 3। ओके आपसे कहता है ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर एग्जिस्ट तो पहली बात तो ये समझना है एग्जिस्टेंस किसे कहते हैं, एग्जिस्टेंस मतलब कि ए इनवर्स निकाला जा सकता है, ए इनवर्स निकालना पॉसिबल है, एग्जिस्टेंस मतलब पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल है तो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। तो पॉसिबल कब नहीं होता ये बात पता होनी चाहिए, यानी कि नॉट एग्जिस्ट की सिचुएशन क्या होती है, तो
तो पहले हमें पता होना चाहिए, ये मैं आपको रफ काम बता रहा हूँ, इसे नहीं करना है, ये एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ कि ए इनवर्स, ए की पावर माइनस वन करके दिखाते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। हम इसको ऐसा भी लिख लेते हैं, कई स्टूडेंट ऐसा भी लिखेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बात एक ही है, आप चाहे इस तरीके से लिखें चाहे मेरे तरीके से लिखें, बात एक ही चलेगी। अभी मैंने कहा कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कब नहीं करता, कब ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, जब यहां पर देखो ये डिनोमिनेटर में जो दे रखा है, यानी कि ये जो आपको दे रखा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अगर ये जीरो आ जाए, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, देन ए इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये संख्या जीरो आ जाएगी तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर ये संख्या जीरो नहीं आएगी तो ये एग्जिस्ट करेगा, ये बात ध्यान रखना। अपने आप ये दूसरी कंडीशन बनी, पहले से दूसरी कंडीशन क्या बनी, इफ ए का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो देन ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो आपको ये पता होना चाहिए एग्जिस्ट कब होता है, सिंपल सी बात है, वन अपॉन जीरो कंडीशन नॉट एग्जिस्ट की होती है, और अगर नीचे वाली संख्या पॉजिटिव आती है तो भी एग्जिस्ट होगी, नेगेटिव आती है तो भी एग्जिस्ट होगी, लेकिन अगर जीरो आती है तो एग्जिस्ट नहीं होगी। तो अब हमें कह रहा है ये एग्जिस्ट करना है, पर कह रहा है कि एग्जिस्ट होना चाहिए, एग्जिस्ट होने का मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो बेसिकली करना क्या है, हमें डिटर्मिनेंट निकालना, कॉपी कर लो इसे जो मैंने लिखा था, ये देखिए, तो सेकंड ठहर जाओ फिर, अभी मैं आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसका निकाल के दिखाता हूँ, और फिर से मैं वही काम करने वाला हूँ। मैंने कहा था ना, मैंने टेस्ट इस बार आसान बनाया था, जानबूझ के आसान बनाया था, और मैंने एक दो क्वेश्चंस अगर देखे जाए चैलेंजिंग हो सकते हैं, लेकिन एक दो से तो काम नहीं बनती ना बात, आपके कम से कम 50% मार्क्स सबके आने चाहिए थे, आप नहीं लाए। लिखेंगे इफ ए इनवर्स एग्जिस्ट देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, प्लस माइनस प्लस करके सॉल्व करेंगे, और कैसे निकलेगा ये, सबसे पहले लिखेंगे आप 2, फिर उसके बाद आप लिखेंगे, आप मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 के बाद आप लिखेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 3 2 6 माइनस 5, फिर उसके बाद माइनस लैम्डा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कैंसिल, 0 माइनस का 5, देन माइनस का 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, 0 माइनस का 2 इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 0। देन फाइनली आपके पास जो लैम्डा की वैल्यू आएगी, वो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है कि इज नॉट इक्वल टू माइनस का 8/5, यानी कि लैम्डा की वैल्यू माइनस का 8/5 नहीं होनी चाहिए। ऐसी कुछ आया, नॉट इक्वल टू वाला केस तो मैंने बना दिया ना, गलत कर दिया, 2 सेकेंड, मेरे को पहले लैम्डा की वैल्यू निकाल लिया ना, किस किस फॉर्म में लैम्डा की वैल्यू होगी, तो लैम्डा की वैल्यू क्या दे रखी है भाई हमारे पास, लैम्डा की वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस का 8/5, ये हमारे पास आई, यानी कि अगर लैम्डा की वैल्यू 8/5 अगर आई तो ये कंडीशन, ये पूरी की पूरी कंडीशन जीरो हो जाएगी। अगर लैम्डा की वैल्यू 8/5 उठा के मैंने यहाँ पर रख दिया तो हमारा ये डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। तो अभी आपसे कहता है एग्जिस्ट कहाँ पर करेगा, तो एग्जिस्ट करने के लिए कौन सा ऑप्शन देना है आपको, बताइए कौन सा ऑप्शन बनता है आपका, लैम्डा बराबर 2 पर, लैम्डा नॉट इक्वल टू 2 पर, लैम्डा नॉट इक्वल टू माइनस 2 पर, या नन ऑफ दीज, कौन सा ऑप्शन बना, सेकंड का ऑप्शन क्या बना भाई, 2 वाले केस के तो कहानी नहीं आ रही ना इसमें, यहाँ तो सिर्फ ये दे रखा है आपको कि लैम्डा अगर माइनस का 1/2 होगा तो नॉट एग्जिस्ट होगा, क्या होगा, नॉट एग्जिस्ट, और बाकी हर जगह एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे डी, डी नन ऑफ दीज, बात समझ में आ रही है आपको या नहीं, क्या इसमें से लैम्डा की वैल्यू माइनस 8/2 ये ऑप्शन में दे रखा है कहीं, ये तो बस, तो नन ऑफ दीज आएगा ना, आपकी लैम्डा की वैल्यू क्या ये देखिए, सीधा सीधा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देखिए,
क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपके सामने है ये, क्या कहता है क्वेश्चन पढ़िए, इफ 7 एंड 2 आर टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और यहाँ पर ये मैंने कहा था गलत लिख दिया था, इज इक्वल टू 0 की जगह ये जो डिटर्मिनेंट है उसके बाद में इज इक्वल टू 0 लिखना था, तो आपको देखो दो रूट्स दे रखे हैं, रूट्स का मतलब क्या होता है इसका सॉल्यूशन होता है, और क्या दे रखी है आपको डिटर्मिनेंट, क्या दे रखा है डिटर्मिनेंट लिख लेते पहले, x3 7 एंड 2x2, ये क्वेश्चन दो बार रिपीट हुआ है अगर आपने ध्यान दिया हो तो, सेम क्वेश्चन दो बार रिपीट हुआ है ये, देखिए कैसे, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर थर्ड है और इसमें आपके सामने ये दे रखी है वैल्यू x3 7 एंड देन 2x2 एंड देन 7 6x, ये आपके सामने इक्वेशन दे रखी है इक्वल टू 0, आप इसे भी इवेल्युएट करेंगे प्लस माइनस प्लस करके, और इसे इवेल्युएट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपके सामने x, और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 12, फिर माइनस का 3 आएगा, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई x में करेंगे 2x, माइनस 7 टू द 14, फिर प्लस का 7 लिखेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 12 माइनस का 7x। किसी एक स्टूडेंट को ये वाला स्टेप नहीं आया तो मुझे बताइए, मैं एक्सप्लेन करके भी बता सकता हूँ इस स्टेप को जो मैंने पीछे किया था इवेल्युएट करने वाला, सभी को आ गया। तो फाइनली हमारे पास जो वैल्यू, फाइनली जो हमारे पास वैल्यू बनेगी वो मैंने सॉल्व कर रखी है, एक्स क्यूब माइनस का 67x प्लस का 126। आप देख सकते हो ये आपके पास कैलकुलेशन है और आपने गलती की है, ज्यादातर बच्चों ने ये 67 में पता नहीं गलती की है, ये एक ने तो शॉर्टकट से भी ज्यादा शॉर्टकट दिखाया, प्रियांशु ने वो 7 की मल्टीप्लाई 7 में करी और 67 लिख दिया, और 49 आना चाहिए था, सॉल्यूशन करके 67 आना चाहिए था, समझ में आ रही है आपको कि आपने दिमाग में सॉल्व कर लिया और सॉल्व करने के बाद उसको एक स्टेप एडवांस में लिख लिया कर लिया, लेकिन लिखा पहले ही है, तो अभी फिलहाल ये हमारे पास आ चुका है, ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है, आपको कहता है इस इक्वेशन के अंदर दो सॉल्यूशन है, इसके दो सॉल्यूशन दे रखे हैं, टू सॉल्यूशंस आर गिवन, कौन कौन से दो सॉल्यूशन दे रखे हैं, पहला सॉल्यूशन दे रखा है हमारे पास x की वैल्यू 2 और दूसरा सॉल्यूशन x की वैल्यू 7, ये दो वैल्यूज ऑलरेडी इसने दे रखी है, आप देख सकते हो ये रहा क्वेश्चन में, उससे कहा है 7 एंड 2 आर द टू रूट्स, और बाकी चार ऑप्शन दे रखे हैं, और ये चार ऑप्शन कौन कौन से हमारे पास है, ये चार ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन है -9, दूसरा ऑप्शन है 14, तीसरा ऑप्शन है 0.05 और चौथा ऑप्शन है 9। हम इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सबसे पहली बात तो ये सॉल्यूशन है, या दूसरे शब्दों में मैं बोलूंगा रूट्स, और रूट्स और सॉल्यूशन क्या होता है मैं बता दूं, इस इक्वेशन में अगर मैं एक्स की जगह पर 2 लिखूंगा तो आंसर बराबर में जो है वो आएगा, रख के देख सकते हो, 2 का क्यूब माइनस का 67 × 2 प्लस का 126 बराबर 0 ही आएगा, आप चेक कर सकते हो, 2 × 4 × 8, 8 और 126 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8 और 6, 14 का 4 हासिल का 1 134 माइनस 7 × 14 का 4 हासिल का 1 6 × 12 और 1 13, आप देख सकते हो आपका आंसर बिल्कुल सही है, यही होता है रूट्स की डेफिनेशन, यही होता है सॉल्यूशन की डेफिनेशन, याद रखना कि जो भी इसका सॉल्यूशन होगा वो उसे सेटिस्फाई करेगा, अगर मैं एक्स बराबर 7 यहाँ रखता हूँ तो ये भी सेटिस्फाई करेगा। अब मेरे पास दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है कि मैं इसे सॉल्व करूँ, क्या करूँ सॉल्व, और कंप्लीट सॉल्व करने के बाद जो क्यूबिक इक्वेशन है और मैं इसके बाद इसके रूट्स निकालूं, दो तो दे ही रखे हैं। दूसरा तरीका ये है कि मैं इसे सॉल्व ना करूं, हिट एंड ट्रायल मेथड से करूं। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या कहता है वो भी समझ लो, हिट एंड ट्रायल मेथड कहता है कि एक्स का क्यूब माइनस का 67x प्लस का 126 इक्वल टू 0 इक्वेशन आ गई, मेरे पास ए ऑप्शन दे रखा है और वो ऑप्शन है -9, मेरे पास बी ऑप्शन दे रखा है और वो आपके सामने है 14, मेरे पास सी ऑप्शन दे रखा है और वो दे रखा है 0.05, मेरे पास डी ऑप्शन दे रखा है और वो ऑप्शन दे रखा है 9, तो इन में से कोई भी एक ऑप्शन मैं उठा के क्वेश्चन में रखने वाला हूँ और चेक करने वाला हूँ कि कौन सा इसका सोल्यूशन होगा। तो बेसिकली इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, थर्ड का -9। हाँ मैं भी बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ कि पूरी बात बताऊंगा, देखिए तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, ए ऑप्शन, ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन ए करेक्ट है, और वो क्या है आपके पास, माइनस का 9, यानी कि x इज इक्वल टू -9 इज द करेक्ट वैल्यू।
तो एक टाइप तो आपने ये पढ़ी, टाइप फर्स्ट हिट एंड ट्रायल मेथड, जबकि ऑप्शन वाला क्वेश्चन आ गया। अभी प्रियांशु ने कहा अगर नहीं दे रखा है तो टाइप दो और टाइप बचती है, एक टाइप टू है, और टाइप टू के अंदर आपको एक्सप्लेन करके इसको सॉल्व करना होता है, क्या x क्यूब माइनस का 67x प्लस का 126 इक्वल टू जीरो। मैं वैसे भी आपको बता देता हूँ, जनरली बता देता हूँ, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का नाइन्थ क्लास का मेथड याद करिए। कौन सा मेथड है नाइन्थ क्लास में, कि जो भी कांस्टेंट होता है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, जो भी कांस्टेंट होता है नॉट क्यूबिक, हमें बाय क्वाड्रेटिक या कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखे हो उसमें कांस्टेंट वैल्यू देखी जाती है, उस कांस्टेंट वैल्यू के ऑल मल्टीपल्स का मतलब, जैसे कि एक के पहाड़े में आता है 126, दो के पहाड़े में आता है 126, और किसके किसके पहाड़े में आता है 6, 2, 8 और 1, 9, तीन के पहाड़े में भी आता है 126, और किसके पहाड़े में आता है 1, 2, 3 के बाद 4 में भी आता है, देन 5 में नहीं आएगा, 6 में नहीं आएगा शायद, और ऐसे करके ऑल मल्टीपल्स इसके ढूंढे जाते हैं। कोई भी एक मल्टीपल 4 में नहीं आएगा, 5 में नहीं आएगा, 6 में आएगा, ठीक है ना, 6 के बाद किस में आना चाहिए, 6 के बाद 7 में भी आना चाहिए, इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है इतना तो, क्या हाँ 7 में भी आएगा, बाकी का आता जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको, एक मैं बेसिक मेथड बता रहा हूँ, याद रखना, वैसे तो मैं ये बेसिक मेथड, इसकी मेथड की जरूरत नहीं है, इस वाले क्वेश्चन को मैं इससे नहीं कराऊंगा, मैं इस मेथड को कराऊंगा उस मेथड उस तरीके से जिस तरीके से कुणाल ने किया है, कुणाल ने बहुत अच्छे तरीके से किया है ना, वही मैं अप्लाई करने वाला हूँ। लेकिन फिलहाल मैं कह रहा हूँ कि वो जो मेथड है जो कुणाल ने यूज़ किया है वो एक उसकी लिमिटेशन है, लेकिन जो मैं मेथड बता रहा हूँ इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी हो, आपने नाइन्थ में ये पढ़ा होगा और आपको किसी भी क्लास में ये मिल सकता है, लेकिन नाइन्थ का बच्चे भूल जाते हैं, तो मैं बताऊँ, सबसे पहले उसमें एक कॉन्स्टेंट वैल्यू जरूर होगी, फिलहाल वो 126 है, उसके ऑल मल्टीपल्स देखिए ये लिखे हुए हैं सारे मल्टीपल्स तक, आप कोई भी वैल्यू एक एक करके लेते जाएंगे और वो भी प्लस में और माइनस में, जैसे कि पहले एक यहाँ रख के देखेंगे क्या इसका आंसर जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा तो फिर माइनस एक रख के देखेंगे क्या आंसर जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा तो फिर दो रख के देखेंगे, फिर ये आंसर जीरो कर रहा है, किसने जीरो किया, x बराबर 2 ने इसे जीरो किया, इस पूरी संख्या को, जनरली इनिशियली आपको मिल जाती है चीजें, तो किसने जीरो किया, x माइनस 2 ने, तो फिर इसका एक फैक्टर हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू जीरो, एंड x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है, ये कभी नाम सुना होगा आपने इस तरीके से, दूसरा फैक्टर हम डिवाइड करके निकालते हैं, यानी कि जो इसे जीरो कर दे वो इसका एक फैक्टर होता है, और जो इसका एक फैक्टर, जैसे कि 96 दे रखा है आपको, 96 का एक फैक्टर 3 है, तो दूसरा फैक्टर क्या आएगा, तो आप कहोगे सर दूसरा फैक्टर आएगा कि आप 93 और 3 की बात कर रहे हो तो इसमें डिवाइड कर दीजिए, 3 से डिवाइड करेंगे 96 को तो आएगा आपके पास 32, तो दूसरा फैक्टर डिवाइड करके आता है। देखो यहाँ पर आपको पॉलिनोमियल दे रखा है ये आपके सामने, और उसके बाद इसका एक फैक्टर भी दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में क्या करने वाले हो, डिवाइड, और डिवाइड करने का प्रोसेस भी मैं बिल्कुल बताऊंगा, x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम इसको, x क्यूब माइनस 67x प्लस का 126। हालांकि ये मेथड से तुम्हें इस स्टैंडर्ड पे क्वेश्चन नहीं करने, वो तीसरा मेथड जो है वो मैं बताऊंगा जो कुणाल ने लगाया था, बहुत अच्छा मेथड था वो भी, उससे भी आइडिया आ जाएगा। ये आपके सामने संख्या है, तो आप क्या करोगे इसमें, आप इसमें सीधा सीधा करने वाले हो, यहाँ पर करोगे आप x की पावर 2 से मल्टीप्लाई, तो x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर, एंड देन ये माइनस ये प्लस, ये कट जाएगी संख्या, ये संख्या कैंसिल हो गई, और उसके बाद जो संख्या बची वो क्या है आपके सामने, वो संख्या है 2x स्क्वायर पॉजिटिव माइनस का 67x नेगेटिव प्लस का 126 पॉजिटिव प्लस का 2, और किससे, x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 4x, देन आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। दूसरी तरफ इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये संख्या आपके सामने आ जाएगी, 67 में से लेस करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो 63x है ना, और प्लस का 126, तो किससे मल्टीप्लाई करनी चाहिए, 63 माइनस का 63 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा माइनस का 63x और माइनस माइनस प्लस का 126, आई थिंक ये आएगा 3 × 2 = 6, 6 × 3 = 12, ठीक है, तो फाइनली ये हमारे पास आया प्लस माइनस साइन चेंज, और ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, आंसर आया 0।
तो बेसिकली पूरा पूरा ही कटेगा क्योंकि इसे पहले हम जीरो साबित कर चुके हैं। तो हमारे पास बनी जो संख्या वो क्या बनी, उठा के यहाँ रख देंगे, तो हमारे पास जो संख्या बनी है वो है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 63। अब इस 63 के फैक्टर्स करने हैं, तो 63 के फैक्टर्स क्या होंगे, 9 7 जा 63 और 9 - 7 = 2। तो इसके फैक्टर्स करेंगे और फैक्टर्स करके कैसे लिखेंगे वो आपको आता ही है, अभी मैंने बताया था, मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर। ये आंसर आएगा x माइनस का 2, एक संख्या आ जाएगी और दूसरी संख्या आपके सामने आ जाएगी क्या, एक बार x माइनस 2 आ जाएगा, एक बार x माइनस का 7 आएगा और एक बार x माइनस का 9 आएगा इक्वल टू 0। ठीक है, इसी हिसाब से आपका ये ऑप्शन आया, नहीं x प्लस का 9 आएगा, प्लस की संख्या बढ़ी है, सही है। तो आप इसके फैक्टर्स जो ये वाले फैक्टर्स हैं ये आप खुद करेंगे, 7 * 63 होते हैं, आप देख सकते हो और यही पूरी की पूरी संख्या आएगी, फैक्टर्स करना आपको आता है। तो एक एक ही ऑप्शन दे रखा है, ये ऑप्शन दे रखा है, ये ऑप्शन हमने निकाल लिया, तो इसी से हमारा x इज इक्वल टू माइनस 9 आ गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन देना जरूरी है, लेकिन तीसरा मेथड क्या होता है, तीसरा मेथड देख लो इसका, एक हिट एंड ट्रायल मेथड जो ज्यादातर यूज करते हैं बच्चे, दूसरा मेथड हर जगह यूज हो जाता है, ये स्पेशलिटी है। तीसरा मेथड होता है इफ अ इक्वेशन, अ क्यूबिक इक्वेशन, कौन सी क्यूबिक इक्वेशन, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 इज गिवन, गिवन देन रूट्स के बीच में रिलेशंस बताइए। सबसे पहला सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है माइनस बी अपॉन ए। दूसरा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए। तीसरा अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी अपॉन ए। तो बात समझ में आई, ये कुणाल ने यूज किया था, बहुत अच्छा मेथड है। देखो इस वाले क्वेश्चन की जब मैं बात करता हूँ तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें इक्वेशन दे रखी है और वो दे रखा है x का क्यूब, मैं यहां लिख देता हूं साफ साफ, ये दे रखा है x का क्यूब और माइनस का कितना था 67x, माइनस का 67x और प्लस का 126 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्यूबिक इक्वेशन से है, कंपैरिजन करिए, इसमें a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू गौर से देखिए, a की वैल्यू है 0, a इज इक्वल टू सॉरी 1, a इज इक्वल टू 1 और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 0, c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है माइनस का 67, d की वैल्यू क्या है वो है 126। मैं लिख के दिखा रहा हूँ, आप देखते ही समझ चुके होंगे। अब आपको ये रूट्स होते हैं, ये संख्या क्या होती है, ये अल्फा बीटा गामा रूट्स होते हैं, तो आपके सामने दो रूट्स तो दे ही रखे हैं, तो आपको क्या दे रखा है, अल्फा की वैल्यू दे रखी है। अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, अल्फा की वैल्यू एक रूट आपको दे रखा है 2 और दूसरा रूट दे रखा है आपको 7 और तीसरा रूट आपको नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि b अपॉन a क्या है, तो b अपॉन a आपके सामने है 0 अपॉन 1 माइनस का। तो बेसिकली गामा की वैल्यू क्या आ गई, प्रियांशु समझ में आया, ये मेथड ही बेस्ट है, कुणाल ने यूज किया था, अच्छा लगा मुझे, कुछ नया किया। और मैं फिर बोलूंगा आपसे, जब आपके सामने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है याद रखना, तो उसको जो अब आफ्टर 12th आप देने वाले हो, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी वो सारी बेसिक नॉलेज जो होती है ना उसका निचोड़ देना चाहता है, वो ये नहीं कहता कि आपने ये तो 9th में पढ़ा था ये हम क्यों दें। तो देखो ये चीज आपने पढ़ी है आपको पता है, एग्री करना चाहिए आपको, लेकिन आपको यही चीज उस समय पर लगानी है जिस समय पर वो क्वेश्चन आपके सामने है, ओके। तो फिलहाल ये लेकिन लिमिटेड है, मैंने बताया ये लिमिटेड क्यों है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ क्यूबिक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, ये क्यूबिक था तो ये फॉर्मूला लग गया रूट्स वाला, और क्वाड्रेटिक होता तो भी लग जाता, अगर ये बाय क्वाड्रेटिक होता पावर 4 तो फिर कौन सा मेथड लगता, ये ऊपर वाले दो मेथड, एक्सप्लेन करने वाला ये मेथड या फिर हिट एंड ट्रायल वाला ये मेथड, फर्स्ट मेथड हिट एंड ट्रायल, ओके। हिट एंड ट्रायल के लिए ऑप्शन देना जरूरी है, एक्सप्लेन के लिए बिना ऑप्शन के भी यही चलेगा। तो अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास, आपको ऑप्शंस वगैरह सब कुछ पता होने चाहिए, अच्छे से जवाब आपने नहीं दिया था ध्यान रखना अगले टेस्ट में तैयार रहना। फोर्थ के पास चलते हैं, फोर्थ क्या कहता है, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैंने डरते डरते दिया था, मुझे पता था ज्यादातर बच्चे कॉपी पेस्ट कर लेंगे, लेकिन बच्चे बड़े इंटेलिजेंट निकले, इस बात के लिए मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आप ईमानदार निकले, किसी ने कॉपी पेस्ट नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है एक्स प्लस 2, 4.2 मतलब ये मिसलेनियस ने देखी आपने, मिसलेनियस का कौन से टिक लगा रखे,
अच्छा, वही वाले देखें, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को ही बताए थे अभी मैंने, कहा है ना कुछ तो मेरे को एक्स्ट्रा भी देना पड़ा ना, मैंने कहा देखूं जरा बच्चा कितना कर सकता है कितना नहीं। इसके ऑप्शन है 0, 1x और 2x है ना। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, बिल्कुल सही बोला है आपने, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है x+2 एंड देन x+3 एंड देन x+2a एंड देन x+3 x+4 एंड x+2b एंड उसके बाद दे रखा है x+4 एंड x+5 एंड x+2c। आपको क्वेश्चन में कहता है गिवन है, और क्या गिवन है, गिवन है ए बी सी आर इन एपी। ओके, तो अगर ये एपी है इसका मतलब क्या हो गया कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस का सेकेंड टर्म के है। पता है ना एपी में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस इक्वल, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो यानी कि मैंने सेकेंड में से फर्स्ट को घटाया और थर्ड में से सेकेंड को घटाया और दोनों इक्वल है। तो इस केस में अगर हम देखें तो ये क्या संख्या बन जाएगी भाई, बी को लेफ्ट में ले आते हैं और ए को राइट में ले जाते हैं, तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी आ गया, 2b की वैल्यू ए प्लस सी। गौर से देखो 2b की वैल्यू कहाँ कहाँ रखी जा सकती है, 2b की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं हम, एक तो यहाँ रख सकते हैं 2b की वैल्यू, क्या आएगी आपके सामने 2b की वैल्यू ए प्लस सी, और दूसरी कंडीशन कहाँ रख सकते हैं, बस यहीं रख सकते हैं और कहीं रख सकते हैं, क्या आ जाएगा वो ए प्लस सी आएगा अगर मैं वैल्यू रखता हूँ। देखो ये हमारे पास बनेगी कंडीशन x+2, x+3, x+2a एंड देन x+3, x+4 एंड x+a+c। और कहीं कुछ नहीं रख सकते हम, x+4, x+5, x+2। अब इसको अगर मैं इवेल्युएट करता हूँ, अगर मैं इसको इवेल्युएट करता हूँ प्लस माइनस प्लस, तो इसका आंसर आएगा 0। आप इवेल्युएट करिए, ऐसे 5 मिनट का टाइम था इवेल्युएट करने के लिए, आपका पूरा इवेल्युएट करने का तरीका है, समझ में आया आपको, ये पूरा का पूरा इवेल्युएट करिए और सॉल्व करिए, आंसर इसका 0 आएगा, एक तरीका। दूसरा तरीका जैसे अभी प्रियांशु ने कहा कि ये हम 4.2 के तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि इवेल्युएट से बचने का एक अच्छा तरीका ये भी होता है। तो उसमें क्या बताया था 4.2 के अंदर, कि जो सेकेंड रो है, ये सेकेंड रो फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो, तो उसमें ये बताया गया था कि सेकेंड में से फर्स्ट को घटाओ, क्या करना है, फर्स्ट माइनस का सेकेंड, फर्स्ट में से सेकेंड घटा लो और सेकेंड में से थर्ड को घटा लो। तो जरा घटा के देखना क्या आएगा आंसर, अगर मैं इस संख्या को घटाता हूँ इस संख्या को, तो क्या आएगा घटाने के बाद, गौर से देखिए x+2 - x - 3, तो आंसर कितना आएगा -1। फिर इस संख्या में से इस संख्या को घटाता हूँ तो -1, फिर इस संख्या में से इस संख्या को घटाता हूँ तो 2a, कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपके पास a-c। नेक्स्ट, अब मैं अगले वाले में चलता हूँ, सेकंड में से थर्ड घटाना है, गौर से देखोगे इस बार क्या करें, हाँ बेटा तो लेंथी है, मैंने मना कौन सा किया, और अगर हम इस मेथड के करेंगे घटाएंगे तो कितना आएगा, ये माइनस का वन आएगा, और अगर इसे घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का वन आएगा, और इसे घटा, दो सेकंड ठहरो, इसे घटाएंगे तो कितना आएगा a माइनस का c आएगा, देन नीचे वाला क्या हो जाएगा x+4, x+5 और x+2a c। आपको ये ध्यान रखना है अगर दो रो कोई सी भी इक्वल होती है r1 और r2, तो आंसर कितना आता है 0। समझ में आती है बात, अब ये कौन सा वाला प्रोसेस लगा, ये प्रॉपर्टी वाला प्रोसेस लगा, ये प्रॉपर्टी बताई गई थी, किसी बच्चे ने अगर प्रॉपर्टी नहीं सीखी है तो वो सीखे, क्योंकि मैंने कहा है अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन आएगा वो थोड़ी कहेगा कि CBSE ने कोर्स रिड्यूस किया है, और ये वो प्रॉपर्टी नहीं है जिसमें कि आपको कोई बड़े बड़े डेरिवेशंस करने हैं, सिंपल सी 4-5 प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, वो याद रखनी है कि कोई भी दो रो एक जैसी है, अब इसको इवेल्युएट करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, ऐसे कर लो इवेल्युएट, या फिर आप इसको देख लो कि आपका फर्स्ट रो और सेकेंड रो बिल्कुल सेम है, अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम होता है तो आंसर 0 ही आता है इवेल्युएट करने के बाद। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो प्रियांशु, इसको कंप्लीट एक्सप्लेन करके नहीं कर सकते, अगर ये क्वेश्चन CBSE में आता तो हम एक्सप्लेन करके ही करते, बट मैंने CBSE का नहीं दिया था, मैंने कहा था कोई सही मेथड से कर सकते हो, हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हो या व्हाटएवर जो मेथड आपने सीखा या जानते हो,
आपको बस इसे सॉल्व करना है, नहीं जानते तो इवेल्युएट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर पांचवे में क्या कहा गया है देखिए, एक क्वेश्चन मैंने अभी तक पांच क्वेश्चन होने वाले हैं, एक ही क्वेश्चन चैलेंजिंग दिया, वो भी इसलिए कि मैं देखना चाहता था कौन बच्चा प्रॉपर्टीज को भी जानता है, उस प्रोसेस को भी कर सकता है, कौन स्टूडेंट है ना, कुछ एक्स्ट्रा करना चाहेगा। तो आपको यहाँ पर दे रखा है ए की वैल्यू 2, 3, 5 माइनस 2, पांचवे क्वेश्चन में ये दे रखा है 2, 3, 5 माइनस 2। और बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ ये कहा था कि आपको ए इनवर्स निकालना है। पता नहीं बच्चों ने क्यों गलती करी, ये पहले वाले में लिखा है ए के ऊपर डैश लगा हुआ है, डैश दिख नहीं रहा क्या आपको? अभी भी दिखना चाहिए, डैश मतलब ट्रांसपोज, ये इसका आंसर नहीं था। बच्चों ने हड़बड़ी में यही आंसर दिया, इसका आंसर तीसरा वाला था ऑप्शन, तीसरे वाले ऑप्शन में 1/19 ए लिखा है, पहले वाले में 1/19 ए ट्रांसपोज लिखा हुआ है। पता नहीं क्यों गलत करते हो आप, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन आया आपने फर्स्ट एकदम से क्लिक मार दिया, और यही तो प्रॉब्लम होती है कॉम्पिटिटिव में। 2, 3, 5 माइनस 2, आपको पता होना चाहिए ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है। ये राइट में मल्टीप्लाई कराइए, माइनस का 4, माइनस का, फिर लेफ्ट में मल्टीप्लाई कराइए, 5 से 15, 15 आएगा, तो आपके पास आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस का 19। उसके बाद आप लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए होता है कि ये वाला डायगोनल दे रखा है ना आपके सामने, ये मेन डायगोनल, ये संख्या चेंज हो जाती है, यानी नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी, ये देखिए। उसके बाद जो दूसरा डायगोनल दे रखा है ये सेकेंडरी डायगोनल, ये कहते हैं सेकेंडरी डायगोनल, इसकी बात करें तो इसके निशान बदलते हैं बस। कई बच्चों ने तो संख्या बदल रखी है, आप अभी भी नहीं सीखे कि इनवर्स कैसे निकलता है। एडजॉइंट निकालने में इस वाली डायगोनल के सिर्फ साइन चेंज होते हैं, सिर्फ साइन, और इस वाले के नंबर्स चेंज हो जाते हैं, याद रखना ऑर्डर्स चेंज हो जाते हैं। तो आप ये बात ध्यान से समझे, दूसरी तरफ सिर्फ साइन चेंज होते हैं। तो आपके पास फॉर्मूला है ए इनवर्स का, और वो फॉर्मूला है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, और ये क्वेश्चन हो गया। देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है 1/-19 और एडजॉइंट ऑफ ए की -2, -3, -5 और 2। अगर ये माइनस अंदर चला जाएगा तो सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये हो जाएगा 1/19, 2, 3, 5, -2। अब गौर से देखो, ये 2, 3, 5, -2 तो हमारे पास ए था, देख सकते हो, तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे ए। कई बच्चों ने हड़बड़ी में कुछ अलग अलग तरीके से किया और इसका आंसर गलत कर दिया। तो कौन सा आंसर इसका सही है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट, आपको ऐसे आंसर देना पड़ेगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, 5, 6, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हो, जो मैं बता रहा हूँ बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में एक ही वैल्यू दे रखी है, ए स्क्वायर माइनस का 5a - 2i इज इक्वल टू, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसे भी पता नहीं क्यों गलत किया। देखो आपके सामने दे रखा है ए स्क्वायर और माइनस का 5a और प्लस का 2i, ठीक है, ये आपके पास एक ही वैल्यू है 3 - 5 - 4, 2, और आपको कहता है ए स्क्वायर माइनस का 5a + 2i, बताइए क्या होगा? प्लस का 2i है ना या माइनस का 2i है? चेक करते हैं, माइनस का 2i। तो ये आपके सामने है माइनस का 2i, ओके। तो हमारे को सबसे पहले ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर कैसे निकलता है? ये निकलता है a इंटू ए करके, मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? कोई ऑब्जेक्शन है तो बता दो पहले, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो a इंटू ए का मतलब हो गया कि 3 - 5 - 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 - 5 - 4, 2। आप जब इसकी मल्टीप्लाई कराओगे, रो की कॉलम में मल्टीप्लाई कराओगे, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो मैं लिख देता हूँ, 29 - 25, उसके बाद माइनस का 20 और उसके बाद 24। एक दो स्टूडेंट ने तो इसमें मल्टीप्लाई करने में गलती करी है, प्लस का माइनस कर दिया, माइनस का प्लस कर दिया, मैंने उसे नोटिस किया अपने टेस्ट में, वो देखें चीज़ों से सीखे कि आगे ऐसा नहीं करना। उसके बाद लिखा है 5a, तो 5a की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 5a की वैल्यू हो जाएगी 5 से मल्टीप्लाई, 5 से 15, 25, 20 और 10। उसके बाद आपके सामने है 2i, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 2 की मल्टीप्लाई,
और ये तीनों की तीनों वैल्यू ए स्क्वायर की, 5a की और 2a की, इसको उठा के रख देंगे अपने क्वेश्चन में, तो आपके सामने आएगा ए स्क्वायर माइनस का 5a माइनस का 2i इज इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू 29 माइनस 25 माइनस 12 20 और 24 और 5 की वैल्यू 5a की 15 माइनस का 25 माइनस का 20 और 10 और अगली बार 2002 अगले स्टेप। देन इसे सॉल्व करेंगे तो मेरे पास फाइनल आंसर आएगा 12 0 0 12। तो ये बेसिकली किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन है जो इसमें मैच करेगा, ये कोई भी ऑप्शन नहीं है इसका, यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देख सकते हो ना ए से मैच करा, ना बी से मैच करा, ना सी से मैच करा, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए ये क्वेश्चन तो रिपीट हो रहा है, ये क्वेश्चन तो अभी मैंने कराया था, आप देख सकते हो 7 क्वेश्चन में कहता है द थ्री रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू 0 आर। तीन रूट्स कौन कौन से होंगे, तो सबसे पहला तरीका तो आपका हिट एंड ट्रायल मेथड है, और दूसरा तरीका है कि आप एक्सप्लेन करके दिखाओ। तो इस क्वेश्चन को मैं नहीं करा रहा क्योंकि ये क्वेश्चन ये हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेम था, आप मैच कर सकते हो। ये रहा थर्ड क्वेश्चन, यस ये आपके सामने थर्ड क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन नंबर 7 भी है, ये सेम संख्या है, आपको तीन रूट्स पूछे हैं, तो आपको ये तो हिंट मिल जाना चाहिए था कि दो रूट्स तो क्वेश्चन में ही दे रखे थे, थर्ड क्वेश्चन में दो रूट्स तो ये रहे, यानी कि 2 और 7, और तीसरा रूट माइनस का 9 आ गया था। अगर वो आंसर ठीक है तो ये भी ठीक है, तरीका करने का बिल्कुल एक्सप्लेन करने वाला है, आप देख सकते हो। ये मैंने जानबूझ कर डाला कि मैं देखना चाहता हूँ कि तीसरे क्वेश्चन से सातवें क्वेश्चन पे आते आते कि आपका दिमाग इतना सेंटर होगा। अब चलते हैं हम आठवें क्वेश्चन की तरफ, सातवां क्वेश्चन हो गया, आठवां नवा दसवां। आठवां क्वेश्चन क्या कहता है, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग था, कुछ बच्चों ने तो इस चैलेंजिंग क्वेश्चन को चैलेंजिंग की तरह लिया ही नहीं, आसान बना दिया इसे। देखो कैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आठवें क्वेश्चन में कि ए इज इक्वल टू, आपके सामने जो ए दे रखा है, ए की वैल्यू क्या दे रखी है, वो दे रखी है 1221। उसके बाद आपके सामने एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, वो दे रखी है 1+x और 1-x। अब आपको मैंने ये बात पहले भी बताई थी, लेकिन शायद आप में से किसी बच्चे ने ध्यान नहीं दी कि एक होता है स्केलर और एक होती है मैट्रिक्स। स्केलर एक संख्या को कहते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है 4, 4 एक स्केलर है, लेकिन मैट्रिक्स में बहुत सारे स्केलर्स होते हैं, एक पर्टिकुलर फॉर्म में होते हैं। जैसे कि ये एक सिंबल होना जरूरी है मैट्रिक्स में, और जैसे कि 1 2 3 4 ये एक मैट्रिक्स है। अगर स्केलर और मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करानी है तो उसके लिए हम सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराते हैं। हम लिखते हैं इसमें क्या, अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये लिखेंगे 4 8 12 16। लेकिन अगर हम किसी स्केलर को जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे किसी मैट्रिक्स के साथ, तो फिर कैसे जोड़ा और घटाया जाता है, रचना ने तो बिल्कुल गलत कर दिया, उसने सबके साथ जोड़ के दिखा दिया। उसने लिखा 5 6 7 और 8, जो कि बिल्कुल गलत था, ऐसा नहीं करना है। अगर कोई स्केलर किसी मैट्रिक्स के साथ जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं, तो इस केस में तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड, यानी कि 4 सबके साथ डिवाइड होगा और 4 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अगर जोड़ रहे हैं और घटा रहे हैं तो इस केस में क्या करेंगे वो देख लो, हालांकि ये बात मैंने पहले बताई थी। तो आप सबसे पहले इस 4 के साथ लिखेंगे 4 × 1, हम 4 के साथ 4 × 1 लिख सकते हैं। 1 मतलब यूनिट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 4i बनाएंगे इसे, और प्लस का निशान लगाएंगे, 1 2 3 4, कई बच्चों ने इसे ऐसे ही किया था। उसके बाद लिखेंगे 4 0 0 4 और देन जुड़ेगा। तो कोई भी स्केलर अगर किसी भी मैट्रिक्स के साथ जुड़ता है तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स में जोड़ा जाता है, उसके डायगोनल एलिमेंट्स में ही घटाया जाता है। देख सकते हो 5 2 और ये 3 और ये 8, ये आपके सामने इसका जोड़ आता है। तो इस तरीके से ही ये क्वेश्चंस होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है वो आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8 है और इसमें ए की वैल्यू दे रखी है 1 2 2 1, और ऑफ कोर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 1, और आपको कहता है कि आपको एफ ए फाइंड करना है, ये क्या होगा, जबकि आपको गिवन है क्वेश्चन में एफ x इज इक्वल टू 1+x/1-x। तो आप देखो सबसे पहला काम तो एफ ए रखने के लिए पहले x की जगह a रख दो, तो ये हो जाएगा 1+a/1-a। अब a एक मैट्रिक्स है और 1 एक स्केलर है, 1 स्केलर है तो उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे,
तो ये हो जाएगा एफ ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि वन, आप इसे पहले लिख लो इसे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए अपॉन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस, अगर ये वन की जगह टू लिखा होता तो टू आई लिखता मैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1001 प्लस का, और ये दे रखा है आपके सामने 1221। देन नेक्स्ट की बात करेंगे तो ये दे रखा है 1001 एंड देन माइनस का 1221। देन आगे स्टेप पे चलेंगे तो अगला स्टेप हमारा बहुत सिंपल है और वो स्टेप हमारे पास ऐड करना सिखाता है, तो ये हो जाएगा आपके पास 22 एंड 22, और नीचे डिवाइड में क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपको 0 माइनस 2 एंड देन माइनस 2 एंड देन 0। अब मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं और गुणा कैसे कराई जाती है, और मैंने ये भी बताया था कि डिवाइड कैसे कराई जाती है, अगर आपको याद हो तो। ये डिवाइड वाला केस आ गया, अगर आप चाहो तो इसे मैट्रिक्स बी और इसे मैट्रिक्स सी नाम दे सकते हो, तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बी मल्टीप्लाई बाय सी इनवर्स, ये सी ऊपर जाके इनवर्स बनेगा और ये इसका सॉल्यूशन होगा, ध्यान रखना। तो हमने ये मैट्रिक्स ऐसे लिखनी है 2 2 2 2, और उसके साथ नीचे जो मैट्रिक्स थी वो ऊपर चली जाएगी, डिवाइड में यही प्रोसेस फॉलो किया जाता है और इसका इनवर्स हो जाएगा, इनवर्स। अब इसका इनवर्स निकालना आपको आना चाहिए, तो इसका इनवर्स कैसे निकलता है देखिए, ये लिखा है 2 2 2 2, और उसके बाद यहाँ पर इन्वर्स निकालने के लिए आपको पहले निकालना पड़ेगा एडजॉइंट, तो इसकी मल्टीप्लाई करिए 0 माइनस मल्टीप्लाई करिए 4 आएगा, उसके बाद इसके निशान चेंज कर, इसके क्या नाम है, संख्या चेंज करिए, ऊपर 0 और नीचे 0 आएगा, और इसके निशान चेंज करिए इधर वाले डायगोनल्स के, तो आ जाएगा 2 2 पॉजिटिव में, ये जो संख्या दे रखी है आपको ये बीच में, ये संख्या मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगी, मल्टीप्लाई में स्केलर होता है कहीं भी जा सकता है, मल्टीप्लाई में मैट्रिक्स होती है, ऐसा नहीं है जहाँ है वहीं रहेगी, ये कोई मैट्रिक्स नहीं है, ये एक स्केलर है, तो ये -1/4 आगे आ जाएगा, उसके बाद अंदर बचेगा 2 2 एंड 2 2, और उसके बाद 0 2 2 0। देन सॉल्व करेंगे अगले स्टेप में, आप चाहे तो डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते थे, कोई स्टूडेंट चाहे तो डिवाइड करके फिर भी सॉल्व कर सकता था, बात एक ही होती, यहाँ पर कितना आएगा 2 0, यह आ जाएगा आपके पास 0 प्लस 4, और यह आ जाएगा आपके पास 4 प्लस 0, यहाँ पर आ जाएगा 0 प्लस 4 एंड देन 4 प्लस 0। तो बेसिकली आप डिवाइड करेंगे -4 से, तो -4 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा -1 -1 -1 -1। तो कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, आप देखिए यहाँ पर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी आंसर आ चुका है, ये एफ ए की वैल्यू आ चुकी है, देख सकते हो, अगर कॉपी कर लिया है तो मैं आगे बढ़ू, अगर कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हो आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9th के पास चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th आपके सामने, 9th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या रखा है क्वेश्चन में 9th में, ये रहा, कहता है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस का आई, आपको बताना है कि ए इनवर्स क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई, ये तो ज्यादातर बच्चों ने सही किया था, आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ए इंटू में आई इज इक्वल टू ए होता है, इस ए को राइट साइड में ले जाएंगे तो आई इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए होता है, इस ए को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो आई इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स होता है, जो संख्या आगे है वही संख्या आगे ही रहेगी, देखो आगे है यहाँ पर, जो पीछे है उसे पीछे ही रखना है, याद रखना ये संख्या कभी चेंज नहीं होती। आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, आइडेंटिटी को एक तरफ रखना है, हमेशा बताया था मैंने इनवर्स निकालने का तरीका, बाकी संख्या राइट साइड में ले जाओ, इस जैसा नहीं करोगे तब भी आंसर सही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं अगले स्टेप पे, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बोथ साइड, तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करनी है आपको, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये हो जाएगा आई इंटू में ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस का ए इंटू ए इंटू ए इनवर्स प्लस का ए इंटू ए इनवर्स, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दी, तो आई इंटू ए की वैल्यू कितनी है, देखो आपके सामने लिखी हुई है, इसकी वैल्यू है ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इंटू ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर लिखी हुई है, ये है आपके पास ए आई, उसके बाद प्लस का यहाँ पर भी आई, देन सॉल्व करेंगे अगले स्टेप में, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस का ए प्लस का आई, एंड दिस इज फाइनल आंसर, यही आपका आंसर है, आई माइनस का ए लिख सकते हैं इसे, आई माइनस का ए, तो किसका आंसर ठीक बना, देखो आई माइनस का ए कहाँ है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी लिखना जरूरी है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं लिखोगे तो आपके नंबर नहीं मिलेंगे, आंसर के बाद ऑप्शन भी लिखना था, इसी बात का एक नंबर था, किसका काटा है, तो आपने कुछ गलत किया होगा,
यहां तक के ऑप्शन भी लिखा है, ठीक है तो दे देंगे, नाराज क्यों हो रहे हो? देख के मैं बता दूंगा क्यों काटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दे रखा है x प्लस का 2y इज इक्वल टू 2 और उसके बाद दे रखा है 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 3 और इसमें आपको निकालनी थी x और y की वैल्यू। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था लेकिन मैंने उलझाने के लिए ऑप्शन ऐसे दिए ताकि बच्चा कंफ्यूज होकर गलत करे और कुछ बच्चे मेरे ट्रैप में फंस गए। इसमें आपको सबसे पहले a की वैल्यू लिखनी है और a की वैल्यू लिखनी है कॉफिशियंट ऑफ एक्स वाई। एक्स का कॉफिशियंट क्या है 1, y का क्या है 2, यहाँ पर क्या है 2 एंड 3। उसके बाद b लिखना है, b क्या है आपके पास 2 3। उसके बाद x लिखना है, x की वैल्यू क्या है एक्स वाई। देन वी नो दैट सिंस ए एक्स इज इक्वल टू बी होता है, सब जने जानते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी होता है। तो एक स्टूडेंट ने क्या किया, बहुत महान काम किया, उसका महान काम बता देता हूँ, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा। ये लिखा उन्होंने एक्स वाई इज इक्वल टू, ये लिखा उसके बाद 2 3 और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसकी मल्टीप्लाई करा देते हैं। ओके उन्होंने बहुत अच्छा मल्टीप्लाई कराया, एक्स प्लस का 2y इज इक्वल टू 2 लिखा, 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 3 लिखा। अब ये देखो क्वेश्चन आ गया, उन्हें भी नहीं पता चला कि ये क्वेश्चन वापस आ चुका है। देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन से मैट्रिक्स बनाए, उन्होंने मैट्रिक्स से फिर क्वेश्चन बनाया और फिर इसे फर्स्ट इक्वेशन बनाया, इसे सेकंड इक्वेशन बनाया, इसे एलिमिनेशन मेथड करके सॉल्व करके एक्स और वाई की सही वैल्यू निकाली। अब बताओ इसका मैं क्या करूं, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। आपने इसका मतलब या तो मैट्रिक्स मेथड नहीं सीखा, आपका जो मैट्रिक्स मेथड है, मैट्रिक्स मेथड आपने वो नहीं सीखा, इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा, या फिर आप मजे ले रहे हो अपने साथ, क्योंकि हमारे साथ तो कभी ले नहीं सकते ना। आप अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप अपने आप को परेशान करने वाले हो आगे जाके, क्योंकि ये तो काम आप फालतू कर रहे हो। ये 10th क्लास का मेथड था, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये तो 10th में पढ़ा था। अगर आपको मैट्रिक्स मेथड बताया जा रहा है, अगर आपको ये बताया जा रहा है बाय यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड, स्पेसिफिक मेंशन किया था मैंने, देखो ये लिखा हुआ, ये देखिए आपको मैं क्वेश्चन दिखाया था, क्या लिखा है ये ब्रैकेट के अंदर। एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि मुझे पता नहीं था, क्यों नहीं पता था भाई आपको, आपको 5 मिनट मिले थे क्वेश्चन देखने के लिए और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है बाय मैट्रिक्स मेथड, इसलिए लिखा क्योंकि कुछ बच्चे अपनी मर्जी ना चलाएं। और वो ये भी एक्सक्यूज दे सकते हैं कि सर जी ये तो ऐसा आप कहते हो कॉम्पिटेटिव में कोई से भी क्लास का कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं, बट मैंने लिखा बाय मैट्रिक्स मेथड। अब सामने लिखे हुए एक लाइन को आप कैसे झुटला सकते हो कि मेरे को पता नहीं था। तो समटाइम्स बच्चे मजे लेने लग जाते हैं, सोचते हैं यार बोर हो गए लास्ट क्वेश्चन है ऐसे ही मार देते हैं, ठीक है ना। तो सामने वाले को बेवकूफ समझने से बेटर है कि आप अपने आप को धोखे से बचा लीजिए, पेपर आपका आएगा और उसमें गलत हो जाएगा, आपके यहाँ पर नंबर कट जाएंगे, ठीक है ना। प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, टेस्ट को सीरियस लीजिए, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कुछ बच्चे ऐसा कर रहे थे टेस्ट जैसे कि यूं ही करने आ गए बस। वेल मेरा कोई नुकसान नहीं है, आप आगे भी ऐसा कर सकते हो। फिलहाल आगे क्या करना है आपको पता है, एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, ए इनवर्स इंटू बी आपका काम है, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स की वैल्यू एक्स और वाई, अगर किसी को नहीं आता तो मुझसे अभी पूछिए, मैं अभी बता सकता हूँ इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके। इसमें आंसर आया था x का आंसर 0 और y का आंसर 1, कई बच्चों ने गलत किया यहाँ पर, माइनस करा, कहीं ने कुछ किया, कहीं ने ऊपर 1 लिखा, मैंने गलती नोटिस करा दी थी, इसका आंसर ये आएगा। चेक करना चाहते हो मैं पूरा करा सकता हूँ, रिपीट क्वेश्चन 10 या सॉल्व कराऊं पूरा, ठीक है। देखो सॉल्व कैसे होता है ये, वैसे मैंने आपको इसका लिंक भी शेयर कर सकता हूँ, ये वाला टाइप जो है मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, जिसको मैट्रिक्स मेथड नहीं आता वो सीख लेंगे, ठीक है ना। क्लासरूम में लिंक शेयर कर दूंगा मैं अभी इस क्लास के बाद, 1 घंटे बाद। सबसे पहले ए इनवर्स निकालना है, ए आपके सामने है, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है आप लिखेंगे यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है राइट साइड में मल्टीप्लाई कराओ, 3 माइनस का 4 कितना हो जाएगा -1, समझ में आया। पहले राइट में मल्टीप्लाई कराते हैं फिर लेफ्ट में मल्टीप्लाई कराते हैं, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप करोगे एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, जो राइट वाला डायगोनल ना, ये वाला मेन डायगोनल, इसके संख्या चेंज करते हैं, 3 ऊपर लिखेंगे 1 नीचे लिखेंगे, और जो सेकेंडरी है ये आपके पास डायगोनल, इसके साइन चेंज करते हैं -2 और -2। उसके बाद आप लिखेंगे ए इनवर्स, ए इनवर्स का फॉर्मूला आपके सामने क्या होता है मैं यही लिख देता हूँ। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। देन एक्स की वैल्यू आपके सामने क्या है, देखो यहाँ लिखो x की वैल्यू है एक्स वाई, ए इनवर्स की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली 1 अपॉन -1 और उसके बाद मैट्रिक्स ऑफ 3 -2 -2 एंड 1, और उसके बाद आपने निकाला यहाँ पर b की वैल्यू, b की वैल्यू है 2 3।
आप मल्टीप्लाई कराएंगे रो की कॉलम में, क्या आएगा रो की कॉलम में मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, कैसे आएगा, माइनस वन तो बाहर ही रहने दो, अभी मत अंदर मल्टीप्लाई कराओ, तो तीन दूनी छह होते हैं, थ्री टू जै सिक्स, और प्लस का निशान लगता है, फिर थ्री टू जै सिक्स, माइनस का सिक्स आएगा, फिर माइनस का फोर, प्लस का निशान लगेगा और थ्री आएगा। देख सकते हो मल्टीप्लाई कराना नहीं आता मुझे, मैंने बताया हर बात मुझे, आप बता सकते हो कि सर मल्टीप्लाई नहीं आती, जो भी चीज़ नहीं आता वो मुझे बता सकते हो। ऊपर जीरो आया, नीचे माइनस एक आया, जब डिवाइड करेंगे तो फाइनली आंसर कितना आएगा, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जीरो और वन आएगा। तो यही तो मैंने अभी बताया था आपका, एक बार एक्स की वैल्यू जीरो आई और एक बार वाई की वैल्यू वन आई, ओके। और ऑप्शन में ये नहीं दे रखा, देख सकते हो मैंने ट्रैप में फंसाने के लिए लिखा था ये बी ऑप्शन, बी ऑप्शन में जीरो और माइनस वन लिखा हुआ है, ए ऑप्शन में वन और जीरो लिखा है, सी ऑप्शन में वन और वन लिखा है, तो कौन सा इसका आंसर होगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे ही ट्रैप में फंसाया जाएगा आपको, ओके। तो मेरी तरफ से ये खत्म हो गया, क्लास भी फिनिश हो गई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, छुट्टी।